हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज हम इलास्ट्रेशन 5 करके जो आपको पेज नंबर 141 पे दिए गए। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट जो इलास्ट्रेशन फर्स्ट और सेकंड जो कराए थे, अगर वो देखे रहेंगे तो इलास्ट्रेशन 5 आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सेम एज इलास्ट्रेशन 3 और इलास्ट्रेशन 4 ऐसे टाइप के सम एग्जाम में आते नहीं है कि खाली एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। एग्जाम में जो फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ जैसे आगे के सम है, जहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलो या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तो बनाना ही रहेगा। अगर साथ में आपको अलग से मैं जैसे कैश अकाउंट बनाता हूँ, गुडविल अकाउंट बनाता हूँ, और सम में कभी भी गुडविल रिटर्न ऑफ करने बोले तो सेक्रीफाइस रेशियो आपको फाइंड करने आना चाहिए। तो डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट, चलो मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ। इलास्ट्रेशन 5 क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ यहाँ पर क्या दिया है, माधुरी एंड मनीषा शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या दिया है, 3:2 दिया गया। मतलब ये 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। एज ऑन 31 मार्च 2020 बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 क्या दिया गया, यहाँ पर 19 दिया गया, सॉरी यहाँ पर 31 मार्च 2019 है। अभी आप सभी को पता है कैपिटल कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी में बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी में चला जाएगा। बिल्डिंग असेट्स में, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स में, स्टॉक असेट्स में, डेटर भी असेट्स में। पर आपको दिमाग में रखना है कि मैं RDD कितना दिया गया है, 2000 दिमाग में रखना है। जैसे हमने आगे भी सम किए थे जहाँ पर RDD हमें दिया था, मतलब ये जस्ट आपको दिमाग में क्लिक करके रखना है कि आपको 2000 रुपीज़ RDD दिए। और बैंक कहाँ चला जाएगा, हमको यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा, ये बैंक अकाउंट में चला जाएगा। फर्नीचर कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पर चला जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2019 मोहिनी इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, शी पे मोहिनी एडमिट्स। मोहिनी कितना पैसा ला रही है, 1,00,000 रुपये ला रही है, किसका ला रही है, कैपिटल, और 40,000 किसका ला रही है, गुडविल का। ऐसे क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया गया, 5:3:2, मतलब 5/10 कितना हो गया, 10, 3/10 और 2/10 कितना दिया गया, 10 दिया गया। द असेट्स आर रिवैल्यूज एज अंडर, असेट्स को ये इस प्रकार से दिया है। बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया गया, 1,00,000। तो यहाँ पर बिल्डिंग को मैं क्या कर दूँ, स्टार। मतलब बिल्डिंग में क्या करना है, 28,000 ऐड करना है। 72 में से 28 ऐड करोगे तभी कितना होगा, 1,00,000 रुपीज़ होगा। मतलब बिल्डिंग में ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। हालांकि आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ या तो रिवैल्यूएशन बनाओ, आपकी मर्जी, आपको जो अकाउंट बनाना है बनाओ। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया, 48। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 12,000 कम। तो यहाँ से क्या करेंगे, 60 में से माइनस कर देंगे और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की या तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर चला जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे, प्री गिव, अभी यहाँ पर छोड़ो ये, पहले देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। RDD टू बी इंक्रीज अप टू कितना हो गया, 4,000। मतलब RDD बुक में अगर देखोगे कितना दिया गया है, 2,000, और कितना ऐड करना है मुझे, और इसमें क्या करना है, 2,000 रुपीज़ क्या करना है मुझे ऐड करना है। तो ऑलरेडी अपने पास मतलब RDD हो गया 4,000, पर यहाँ पर 2,000 तो ऑलरेडी दिया है। कैसे क्या होता है, ऑलरेडी पिछली बार भी आ चुका है, यहाँ पर जस्ट मैं डेटर को भी क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। स्टार किया मतलब अमाउंट इनर में लिख के 3 लाइन छोड़ना है। आगे क्या बोल रहे, ओल्ड पार्टनर डिसाइड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। ये हाफ ऑफ द अमाउंट गुडविल कितना होता है, देखो गुडविल का पैसा कितना ला रहा है, 40,000, उसका आधा पैसा क्या कर रहे, विड्रॉ कर रहे। तो 40,000 का आधा कितना होगा, हाफ ऑफ द अमाउंट, मतलब 40,000 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 20,000 होगा। क्लियर है, यहाँ पर बोला है हाफ ऑफ द अमाउंट, मतलब गुडविल क्या कर रहे, ये गुडविल को क्या कर रहे, विड्रॉ कर रहे, विड्रॉ कर रहे। क्लियर है, किससे कर रहे, ये कैश से क्या कर रहे, विड्रॉ, मतलब अपने पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है कैश या तो बैंक अकाउंट से, कितना पैसा जा रहा है, 20,000 जा रहा है। और कौन से पार्टनर में जाएगा, ओल्ड पार्टनर में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर शुड बी रीवैल्यूड कितना हो गया, 66,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर को भी मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। बस आपने क्या कर दिया, जिस जिसको एडजस्टमेंट था उसको मैंने क्या कर दिया, स्टार कर दिया। अभी सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ट्रांसफ़र करनी है। तो जैसा आप देखोगे मैंने यहाँ पर बना दिया है इन द बुक्स ऑफ मोहिनी, सॉरी माधुरी, मनीषा और मोहिनी बना दिया। डेबिट क्रेडिट यहाँ पर मैंने लिख दिया पर्टिकुलर अमाउंट। सेम एज अ पार्टनर्स कैपिटल, उसके नीचे हाफ पेज पे यहाँ पर आ जाएगा माधुरी, मनीषा और मोहिनी, तीनों पार्टनर के क्या लिख दिए, नाम लिख दिए। क्लियर, माधुरी, मनीषा और मोहिनी। और बैलेंस शीट एज ऑन क्या आएगा, 1 अप्रैल 2019। क्यों, यहाँ पर देखो 1 अप्रैल 2019 को मोहिनी एडमिट हो रहा है, बैलेंस शीट हमें क्या चाहिए, न्यू फॉर्म का चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल 2019 आ जाएगा। और पीछे
जैसे मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाया, यहाँ पर गुडविल अकाउंट बनाया, आपको बना देना है। और जो अपना फोर्थ पेज रहेगा सामने सामने की पेज की, यहाँ पर ओल्ड रेशो मुझे माधुरी और मनीषा का कितना दिया है 3:2, और मतलब क्या लिख सकते हैं 3:5, 2:5 लिखो। और न्यू रेशो माधुरी मनीषा और मोहिनी का देखो दिया ही है बुक में, यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 2 में कितना दिया गया 5:3:2, मतलब कितना आ गया 5:10, 3:10। और आप सबको सेक्रीफाइस रेशो फाइन करने आते ही कैसे रहेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर माधुरी का कर दूँ क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा माधुरी का। तो माधुरी का ओल्ड रेशो कितना था 3:5 माइनस न्यू रेशो कितना आया 5:10। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके तो 3:2 कितना हो जाएगा, ये ऊपर से दो बार मल्टीप्लाई था ना आपको 3:2 और 5:10, तो ये कितना करेंगे 3:2 हो जाएगा 6 - 5 कितना आ जाएगा 10। तो अपना रेशो क्या आ जाएगा 1:10 कितना आ गया 10 आ गया। ये किसका आया माधुरी का। अभी किसका करना है मुझे मनीषा का करना है, तो मनीषा का भी देखो ओल्ड रेशो कितना था 2:5 माइनस उसका न्यू रेशो कितना दिया गया 3:10, ये रहा 3:10, ये मोहिनी का है क्लियर है। हमें किसका देखना है माधुरी और मनीषा का ही देखना है क्लियर है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 2:2 कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 - 3 कितना आ गया 10, तो 1:10 आ गया। तो मेरे लिए यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशो क्या रहेगा 1:10, 1:10, तो सेक्रीफाइस रेशो क्या है इक्वली मतलब हाँ 1:1, तो और करके क्या लिखो 1:2, 1:2। तुम बोलोगे सर ये कहाँ काम आएगा, ये जब गुडविल को हम विड्रॉ करेंगे तभी ये काम आ जाएगा। अभी सेम एज अ सारी चीज़ें यहाँ पर देखो मैंने अकाउंट बना दिया, मैं चाहूँगा आप भी ऐसे अच्छे से बना लेना। कैपिटल कहाँ चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा बाय बैलेंस क्या आ जाएगा ब्रॉड डाउन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट कितना आ गया 80,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,00,000 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ गया डैश आ गया, सेंट्री क्रेडिटर को स्टार है तो अमाउंट कहाँ आ जाएगा इनर में आ जाएगा। सेम एज अ लाइबिलिटी साइड पे वेरी फर्स्ट क्या आता है कैपिटल, तो यहाँ पर 5 से 6 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर अब लिख दो सेंट्री क्रेडिटर क्लियर है। सेंट्री क्रेडिटर अमाउंट कितना दिया गया मुझे 60,000, स्टार है तो अमाउंट का लिखूंगा इनर में और 3 लाइन क्या कर दो छोड़ दो। उसके बाद बिल्स पेबल को स्टार नहीं तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा आउटर में चला जाएगा क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा बिल्स पेबल अमाउंट कितना आ गया ये 10,000 आ गया क्लियर है। ये डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा आउटर साइड पे चला जाएगा। बिल्डिंग को स्टार है प्लांट है इनर में लिखे 3-3 लाइन में क्या करूँगा छोड़ दूंगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पर मैं अगर लिख रहा हूँ उससे ऐसे बिल्डिंग को स्टार है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा पहले बिल्डिंग असेट साइड पर, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्डिंग कितना है 72,000 स्टार रहेगा तो वैल्यू का आ जाएगा इनर में और क्या करो 3 डॉट कर दूँ मतलब 3 लाइन छोड़ना है। उसके बाद किसका है प्लांट एंड क्या है यहाँ पर मशीनरी, तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा वैल्यू कितना दिया गया है 60,000 दिया गया है तो यहाँ पर 60,000 और क्या करूँ 3 लाइन में क्या कर दूँ छोड़ दूँ। उसके बाद किसका दिया गया स्टॉक का 48, स्टॉक को कुछ नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ लिख दूँ आउटर में 48 लिख दूँ। उसके बाद स्टॉक के नीचे डेटर, डेटर को ऑलरेडी स्टार है और डेटर का इनर वाला वैल्यू लिखना है कितना लिखना है 42,000 मुझे लिखना है क्लियर और 3 लाइन क्या कर दूँ छोड़ दूँ। और फर्नीचर हालांकि बैंक अकाउंट आएगा तो एक काम करता हूँ डायरेक्ट मैं फर्नीचर लिख देता हूँ, वहाँ पर फर्नीचर कहाँ चला जाएगा अपने लिए 10,000 इनर में आ जाएगा, सॉरी स्टार नहीं है फर्नीचर को तो डायरेक्ट कहाँ लिख देंगे हम आउटर साइड पे फर्नीचर लिख देंगे। और तुम बोलोगे सर लेस RDD ओक मैंने बोला खाली इसको माइंड में रखना कि 2000 दिया और बैंक कहाँ चला जाएगा बैंक अकाउंट की डेबिट साइड। तुम बोलोगे सर डेबिट में क्यों, क्योंकि असेट्स ऑलवेज डेबिट होता है लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, इसके लिए देखो कैपिटल का कहाँ लिख रहे हम क्रेडिट साइड और बैंक अकाउंट कहाँ पर है डेबिट, तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट कितना आ जाएगा बैंक अकाउंट का 20,000 मुझे दिया गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा क्लियर है। अभी 1 by 1 सारे एडजस्टमेंट करते हैं। पहले क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल मैं देखो यहाँ पर रेड एडजस्टमेंट जो भी है ब्लैक पेन से लिखूंगा, आप एग्ज़ाम में कोई भी एक ही पेन से लिखना, हालांकि आप एग्ज़ाम में अलग अलग पेन से लिखोगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 1 April 2019 मोहिनी एडमिटेड ऑफ द फॉलोइंग टर्म शी पे कितना पैसा पे करी 1,00,000 शेयर इज अ कैपिटल, मतलब 1,00,000 रुपये पैसा आ रहा है मोहिनी पैसा पे कर रही है तो अपने पास पैसा आ रहा है। उसका जर्नल एंट्री की बात करूँ हालांकि जर्नल एंट्री क्या रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट कितना रहेगा 1,00,000 रुपये और 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा मोहिनी, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा मोहिनी कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। कितना पैसा आएगा यहाँ पर 1,00,000 रुपये आएगा। अभी तुम बच्चे बोलेंगे सर ये जर्नल एंट्री लिखना पड़ेगा, जी नहीं आपको आता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट आप एंट्री पास कर सकते हो।
तो बैंक अकाउंट कहाँ पर है डेबिट, तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ पर नाम किसका आएगा, मोहिनी, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा मोहिनी, मोहिनी कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्लियर। अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। और यहाँ पर देखो मोहिनी कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, नाम डेबिट का, डेबिट में नाम किसका दिया था बैंक का, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर अगर देखो बैंक की जहाँ पे कैश अकाउंट दिया रहता तो मैं यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाता, कैश अकाउंट बनाता, क्लियर, यहाँ पर मैं कैश अकाउंट बनाता। अभी देखो मोहिनी कैपिटल कहाँ पर है, क्रेडिट, तो मोहिनी कैपिटल की क्रेडिट साइड, नाम किसका आएगा डेबिट का, डेबिट का नाम किसका दिया बैंक अकाउंट। जैसा आपने 11th में जर्नल और लेजर चैप्टर किया रहेगा तो सारी चीज़ें आपके लिए एकदम सिंपल है। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो मैंने कर दिया, उससे सेक्रीफाइस रेशियो भी निकाल दिया, ओ सॉरी ये बाकी रह गया। 40,000 इज अ शेयर ऑफ गुडविल, मतलब शी पे 1 लाख रुपए तो पे कर रही है और क्या कर रही है, 40,000 शेयर ऑफ गुडविल, मतलब और पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, कितने से डेबिट रहेगा 40,000 से, और किस चीज़ का ये पैसा है, गुडविल का, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, गुडविल अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा 40,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो बैंक कहाँ पर है, डेबिट, तो बैंक की कहाँ लिखेंगे, डेबिट से। हालांकि इसकी गुडविल की हमेशा दो एंट्री रहती है, पहले मैं बता दूँ गुडविल कहाँ चला जाएगा, ये गुडविल कहाँ चला गया मेरे लिए, क्रेडिट साइड पे चला गया, कितना आ जाएगा 40,000, मतलब ये गुडविल कहाँ था, डेबिट, उसको उठा के क्या लिख दो, क्रेडिट में लिख दो 40, और यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, ओल्ड पार्टनर का नाम आ जाएगा। तो ओल्ड अपने पास दो पार्टनर कौन से थे, पहला नाम क्या था यहाँ पर, माधुरी, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा माधुरी अकाउंट, माधुरी कैपिटल अकाउंट, और दूसरा नाम किसका था यहाँ पर, मोहिनी, तो सॉरी मनीषा, तो मनीषा कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका आधा, देखो सेक्रीफाइस रेशो, हमें गुडविल को कौन से रेशो में देते हैं, सेक्रीफाइस रेशो, सेक्रीफाइस रेशो क्या दिया, इक्वली, मतलब आप चाहो तो यहाँ पर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 20,000, और इसका आंसर भी सेम आएगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। मतलब ये दोनों आपको एक ही एंट्री दी गई है, क्लियर है, आपको गुडविल को रिटर्न ऑफ की एंट्री आपको पास करनी आनी चाहिए। तुम बोलोगे सर पहले वाले में एक ही एंट्री दीजिए, हाँ उसमें एक एंट्री थी तो इसे एक एंट्री, यहाँ पर गुडविल असेट्स होता है, असेट्स ऑलवेज डेबिट सर, तो गुडविल को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। अभी बैंक कहाँ पर है, डेबिट, तो बैंक की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, नाम किसका आ जाएगा, क्रेडिट का, क्रेडिट में नाम किसका दिया गया है, गुडविल, तो यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, गुडविल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। अभी गुडविल देखो, गुडविल अकाउंट भी मैंने बना, आप एग्जाम में नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, और यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा। क्रेडिट में लिखते हो तो स्टार्टिंग में क्या रहता है, बाय, अमाउंट कितना आ जाएगा 40,000। वापिस से गुडविल कहाँ पर है, डेबिट, तो गुडविल की डेबिट साइड, नाम किसका रहेगा, एक क्रेडिट, क्रेडिट में दोनों के नाम दिए तो इन दोनों का नाम आ जाएगा, किसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, टू, पहले यहाँ पर आ जाएगा माधुरी कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया, माधुरी का कितना दिया गया, 20 दिया गया, उसके बाद किसका दिया गया, मनीषा, तो 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, मनीषा कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 20,000 दिया गया है, क्लियर है। और देखो ये आपको 40, 40, देखो यहाँ पर 40,000 हो गया, ये भी कितना हो गया, 20, 20, कितना होगा 40, ये दोनों ऑलवेज क्या होगा, गुडविल अकाउंट आप बना होगा। हालांकि मैंने बताया नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि गुडविल, गुडविल क्या होता है, टैली होता है। अभी देखो इन दोनों पार्टनर के नाम कहाँ पर दिए, क्रेडिट साइड, तो हमें कहाँ लिखना है, पार्टनर्स, देखो ये भी क्रेडिट था तो क्रेडिट में लिखा, इन दोनों के नाम भी कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो मुझे कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड, नाम किसका आ जाएगा, बाय गुडविल अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर माधुरी में कितना आ जाएगा, 20,000, यहाँ पर मनीषा में भी कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, क्लियर। माधुरी मनीषा देखो यहाँ पर दोनों नाम था, तो यहाँ पर दोनों की कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, अभी तुम बोलो कि वो गुडविल वाला वो बाकी, जैसे जैसे आएगा वैसे करते जाएंगे। बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़ हो गया, देखो यहाँ पर, तो बिल्डिंग में ऐड करना है कि लेस करना है, 72,000 था तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया, 1 लाख, तो बिल्डिंग में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड रीवैल्यूड, क्लियर, यहाँ पर आ जाएगा रीवैल्यूड, रीवैल्यूड लिखो या तो रीवैल्यूएशन लिखो, एक ही बात है, क्लियर। मैं यहाँ पर रीवैल्यूड लिखता हूँ, कितना हो गया, 1 लाख में से कितना माइनस कर दूँ, 72,000 में क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, आंसर कितना आ जाएगा, 28,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐड कर दूँ तो आउटर में कितना चला गया, 1 लाख, और ये प्रॉफिट हुआ तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय किसके नाम आ जाएगा, बिल्डिंग का नाम आ जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है। बिल्डिंग अकाउंट अमाउंट कितना लिखो आप,
28,000 लिखो। अगर आप सभी को पता रहेगा असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड। सेम अभी देखो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया 48,000, तो वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो कहाँ आ जाएगा डेबिट साइड। तो यहाँ से कम हो रहा है तो लेस क्या लिखेंगे, रीवैल्यूड। कितना लेस कम हो रहा है, 60,000 था, माइनस कितना हो गया ये 48,000 हो गया, तो वैल्यू 12,000 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 12,000 यहाँ से क्या कर दूँ, लेस कर दूँ, तो आउटर में कितना आ जाएगा 48। सेम एज असेट साइड में लेस कर रहे तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, टू प्लांट एंड किसका आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अमाउंट कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, क्लियर है। अभी देखो आरडीडी, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट ये वाला है, आरडीडी इंक्रीज अप टू कितना हो गया 4,000। मतलब आरडीडी का बुक में अगर देखोगे तो आपको मैंने बताया था, देखो यहाँ पर आरडीडी का वैल्यू 2,000 दिया, अभी आरडीडी कितना हो गया 4,000, तो यहाँ से लेस कितना हो जाएगा, आरडीडी कितना लिख दूँ यहाँ पर मैं 4,000, मैं क्या करूँ लिख दूँ, अभी 42 में से 4 जाएगा तो आउटर में कितना बचेगा 38,000 बचेगा। और मैंने बताया था आरडीडी देखो यहाँ से क्या हो गया लेस, पर नहीं सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा डेबिट साइड। और यहाँ पर आरडीडी, अभी तुम बोलोगे सर यहाँ पर आरडीडी भी 4,000 आएगा, जी नहीं, ऑलरेडी सब में 4,000 हुआ है राइट, और ऑलरेडी सब में 2,000 तो हमें नुकसान दिया अपना, एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ 2,000, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा 2,000 आएगा। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है आरडीडी कितना दिया गया है 2,000 आपको दिया गया है, तो और बुक में कितना बोला है आरडीडी देखो पीछे टर्न करो कितना बोला है 4, तो मतलब एक्स्ट्रा कितना लॉस हुआ 4,000 का नुकसान, मतलब एक्स्ट्रा 4,000 हुआ पर और 2,000 तो लॉस दिया है, तो यहाँ पर कितना आएगा, मतलब इन शॉर्ट जितना लॉस दिया हो क्या करेंगे माइनस। अभी यहाँ पर सम में 1,000 दिया रहता, बाई चांस जैसे जैसे सोचो आरडीडी 1,000 दिया रहता तो यहाँ से 1,000 ही लेस करता, डिटेल में से कितना लेस करता 1,000, और बुक में कितना दिया था 2,000, तो वैल्यू कितना 1,000 तो फायदा हो गया, तो कहाँ जाता क्रेडिट साइड, कम आएगा तो भी आगे वैसे सम भी आएगा जहाँ पर मैं बताऊँगा, जहाँ पर आरडीडी कम दिया रहेगा आपको। अभी यहाँ पर आगे क्या बोल रहे हैं, ओल्ड पार्टनर डिसाइड टू रिटेन, रिटेन का मतलब क्या करे, विड्रॉ कर रहे, कितना करे, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। मतलब क्या करे, ओल्ड पार्टनर क्या करे, गुडविल का पैसा लेके जा रहे, मतलब अपने पास से पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, मेरे पास से अगर पैसा जा रहा है तो यहाँ से क्या लिखूंगा, मेरे पास से पैसा जा रहा है, तो यहाँ से टू मेरे पास से पैसा जा रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा, टू बैंक अकाउंट कितना पैसा जा रहा है, हाफ मतलब कितना पैसा जा रहा है, 20,000 रुपये जा रहे, क्लियर है। अब ये 20,000 रुपये तो मेरे पास से क्या हो गए, पैसे जा रहे। अब ये पैसे आ किसके पास से रहे, दो ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन है, यहाँ पर माधुरी कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर माधुरी कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, माधुरी कैपिटल अकाउंट, और कौन है मेरे पास, मनीषा, तो यहाँ पर किसका आ जाएगा, मनीषा कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और कौन से पर रेशो में जाएगा, ये कौन से रेशो में जाएगा, सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस रेशो हमें क्या मिला था, इक्वली, मतलब इसका आधा 10,000 यहाँ पर आ जाएगा, अरे 20,000 का आधा कितना होता है 10,000, तो दोनों में कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, क्लियर है। तो इन दोनों के नाम कहाँ पर है, डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड आ जाएगा, क्लियर। इन दोनों देखो माधुरी विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब पैसा जा रहा है, और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, इन दोनों पार्टनर का नाम आ जाएगा, क्योंकि पैसा विड्रॉ कर रहे, रिटेन का मतलब पैसा क्या हो रहा है, लेके जा रहे, लेके जा रहे, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट और डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, इन दोनों, तो इन दोनों के नाम की क्या आ जाएगा, डेबिट साइड। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, टू क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट, कितना पैसा लेके जा रहे, माधुरी 10,000, मनीषा 10,000, और मोहिनी में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। अभी बैंक कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो बैंक की क्रेडिट साइड आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई किसका नाम आ जाएगा, माधुरी कैपिटल अकाउंट, अभी बैंक क्रेडिट है तो बैंक की क्रेडिट साइड, नाम किसका रहेगा, डेबिट का। यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000, यहाँ पर भी किसका नाम आ जाएगा, बाई मनीषा कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 10,000 आएगा। तुम बोलोगे सर ये नहीं समझा, अभी देखो बैंक कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो बैंक की क्रेडिट साइड, नाम डेबिट का, डेबिट में दोनों भाई साहब के नाम लिखे तो दोनों भाई साहब के क्या कर दो, नाम लिख दो यहाँ पर, बस इतना ही सिंपल है। आगे इंटरेस्टिंग, क्रेडिटर का वैल्यू कितना हो गया 66,000, और बुक में कितना दिया गया 60, मतलब क्रेडिटर का वैल्यू बढ़ रहा है, तो ऐड क्या करेंगे, ऐड रीवैल्यूड, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा ऐड रीवैल्यूड, देखो बुक में कितना था 60, अभी 66,000 दिया, बुक में कितना है 60, मतलब माइनस कर दो 60, तो आंसर कितना आएगा 6,000 ऐड करना, तो आउटर में कितना आ जाएगा 66,
अभी देखो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ रहा है आपके सर पे, कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है तो आपके प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ऑफ कोर्स आपको क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि कर्जा बढ़ रहा है तो मुझे क्या होगा, लॉस। असेट्स बढ़ रहा है तो अच्छी बात है ना, मुझे प्रॉफिट होगा। सेम एज असेट्स कम होगा तो मुझे लॉस होगा, सेम एज लाइबिलिटी कम होती तो मेरे लिए प्रॉफिट होता, राइट। पर अभी कर्जा बढ़ रहा है तो मुझे क्या होगा, लॉस। और लॉस कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड। तो यहाँ पर किसका नाम लिखूँ, टू सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिट। तुम बोलोगे सर डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा ना। सिंपल से अगर आपने बैंक के पास से 60,000 का लोन लिया, अभी बैंक बोलेगा आपको 66,000 पे करना है, तो 6,000 आपके लिए तो लॉस हो गया, तो कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्लियर है। अभी देखो सारा सम हो गया, अभी बारी आई टैली की, माय डियर स्टूडेंट। तो चलो टैली करते हैं। अभी टैली करना सिंपल ही है, ये कितना है 28,000, और इसका टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस ये कितना हो जाएगा, 14 प्लस 6 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको ये 20 आ जाएगा, राइट। क्योंकि देखो ना 6 2 8 8 और 2 कितना होगा, ये 10 और 10 और 10 20 हो गया, मतलब इसका टोटल ये 28,000 ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 28,000 आ गया, यहाँ पर भी कितना आ गया, 28। अभी आपको क्या करना है, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, ये इसका ही टोटल यहाँ पर करते, जी नहीं, ये टोटल क्या करना है, मुझे माइनस करके लिखना है, इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो 6 2 8 और 20 में से 8 गया तो आंसर कितना, 20 में से 28 गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। समझ में आया कैसे आया ये 28, इन सबको ऐड कर दिया फिर माइनस कर दिया। अभी काफ़ी सारे जो बच्चों के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर 28 में से 20,000 मैंने माइनस करे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8,000 आंसर आ जाएगा, ये 8,000 मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया है, क्लियर है। अभी ये मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ऑफ कोर्स प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड मेरा ज़्यादा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम साइड 28,000, एक्सपेंस साइड 20, तो मेरे लिए ये साइड ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, पर इसको नाम क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पर नाम आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मुझे क्या हो गया, ये प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन कौन से अकाउंट से, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, क्लियर। अब ये कौन से दो पार्टनर में जाएगा, एक तो अपने पास माधुरी और मनीषा। तुम बोलोगे मोहिनी में क्यों, अरे मोहिनी बेचारा अभी अभी तो ज्वाइंट हुआ, उसको थोड़ी देंगे, पहले जो ओल्ड पार्टनर अपने पास कौन है, माधुरी और कौन है यहाँ पर, मनीषा। तो यहाँ पर माधुरी और किस में जाएगा, मनीषा में चला जाएगा, और कौन से रेशो में जाएगा, अगर उसका ओल्ड रेशो अगर देखोगे तो सब में दिया ही गया, ओल्ड रेशो कितना दिया गया, 3:2, मतलब 3/5, 2/5, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। अभी 5 × 5 कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचा, 5 × 6, मतलब ये 1600 रुपये मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो 16 × 3 कितना होगा, 4 × 8 आ जाएगा, और इसको करोगे 16 तो कितना आएगा, 3,200 मुझे आंसर आ जाएगा। ये कहाँ है, डेबिट में, तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, भाई कहाँ से आ रहे हैं, देखो यहाँ पर कहाँ पर जाने वाले थे, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल यहाँ से कहाँ से आ रहे, रीवैल्यूएशन, तो यहाँ से किसका नाम आ जाएगा, रीवैल्यूएशन का नाम आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, अमाउंट कितना है, 4,800, 3,200, और यहाँ पर क्या आ गया, डैश आ गया, क्लियर है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा कैसे मैंने क्या किया। अभी थोड़ा सा आपके लिए जूम करके मैं और अच्छे से बता सकता हूँ कि देखो इन साइड का अगर डेबिट साइड का भी टोटल करना है तो देखो ये जो मैंने किया ये डेबिट में आया तो उसी को ही कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड पर मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अभी इसका क्या करना है, टैली। अभी कोई गधा रहेगा उसको ये डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा लग जाएगा, मुझे तो ऑफकोर्स यही साइड ज़्यादा लग रहा है। ये कितना आ गया, 80 + 20 1,00,000, और कितना आ गया, 1,04,800 रुपीज़ आपको टोटल इसका आ जाएगा। इसका 1,20,000 तो 1,23,200, राइट। और इसका कितना आ गया, ये 1,00,000 रुपये आ गया। सेम ये टोटल यहाँ पर लिख दो, 1,04,800, 1,23,200, और ये कितना आ गया, 1,00,000 रुपीज़ आ गया। अभी क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, किस में से कितना माइनस करना है ये, तो 1,00,000 में से 1,00,000 चला जाएगा, तो 1,00,000 में से 0 है तो चला गया, 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 1,13,200, और ये कितना गया, 1,00,000 में से 1,04,800 में से 10,000 गया तो कितना बचेगा, सॉरी 1,04,000 में से गया तो कितना बचेगा, 94,000 आपको 800 रुपीज़ बचेगा, क्लियर है, 94,800। और इसको नाम क्या दिया था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसको नाम क्या आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा,
बैलेंस कर, आप एग्ज़ाम में कोई भी एक ही पेंसिल लिखना माय डियर, ये देखो आपको पता चला इन दोनों साइड का टोटल की यही साइड ज़्यादा है, उसमें से ये साइड मान, इसमें कुछ नहीं तो सेम ऊपर। अभी 23 में से 10 गया कितना बचेगा 13, 104,000 में से 10 गया कितना बचेगा 94,800, ये कहाँ चला जाएगा आपको, लाइबिलिटी साइड पर चला जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड पर आपको पहले यहाँ पर क्या जाएगा, कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना आ जाएगा पहले माधुरी, तो यहाँ पर आ जाएगा माधुरी। अभी इसका नाम क्या आ जाएगा, मनीषा, और क्या आ गया ये मोहिनी। माधुरी का कितना दिया गया, ये 194,800 यहाँ पर दिया गया है, ये सेम टोटल यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये कितना दिया गया 1,13,200, और ये कितना दिया गया मुझे 1,00,000 रुपीज़ दिया गया। इसका ये टोटल क्या लिख के मुझे आउटर में लिखना है, जैसे मेरे पास यहाँ पर कैलसी अवेलेबल है, आपको तो एग्ज़ाम में रहेगा नहीं, 94,800 प्लस 1,13,200 प्लस कितना ये 1,00,000 रुपीज़ आपको दिया गया, तो आपको टोटल कितना आएगा 3,08,000 रुपीज़ आपको टोटल आ जाएगा। क्लियर है, वही मैंने टोटल यहाँ पर लिख दिया। अभी इसका टोटल करना है, देखो 3,08,000 आया प्लस कितना करूँ ये 66,000 प्लस कितना आ गया ये 10, तो आपको करीब यहाँ पर टोटल आ जाएगा 3,84,000 आपको टोटल आएगा। अभी तुम बोलोगे सर इसका करोगे तो आपको टोटल नहीं आएगा, पीछे देखो आपको करना बाकी है, गुडविल गुडविल तो टैली होगा, 20 सेट का टोटल करोगे तो सिंपल ही, देखो 1,40,000 और ये कितना होगा 1,60,000। अभी 1,60,000 में से कितना माइनस करना है, ये 20 माइनस करना है, तो 1,60,000 में से 20 गया तो कितना बचेगा 1,40,000 बचेगा, और इसको नाम क्या आएगा, इसको नाम क्या दिया था, बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो इसको नाम क्या रहेगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन रहेगा, और यही कहाँ चला जाएगा असेट साइड, सबको पता चल गया रहेगा कैसे आया, तो इसको नाम क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, बैंक अकाउंट 1,40,000 मैं क्या करूँ लिख दूँ। अभी इसको ही क्या करना है, टोटल करना है, तो टोटल करके मुझे आंसर कितना आना चाहिए, 3,84,000 आना चाहिए। चलो लेट्स चेक कर दे, ये पहला कितना आया 1,00,000 आया प्लस 84,000 आया प्लस वापिस से कितना आया 84,000 आया प्लस 38,000 आया प्लस 10,000 आया प्लस 1,40,000 आया, तो देखो 3,84,000 आ गया। देखो दोनों साइड का टोटल राइट है, देखो देख सकते हो 3,84,000 और ये आपको जान के खुशी होगा, अभी 26 मिनट और करीब 27 मिनट्स हो रहा है और ये वीडियो कम्प्लीटली एक ही पार्ट में बना है, इस वीडियो को मैंने कभी भी स्टॉप किया नहीं, मतलब एक ही पार्ट में पूरा ये वीडियो बन गया, इट्स अमेजिंग। मतलब फर्स्ट टाइम, अगर मैं पिछले 9 महीने से वीडियो बना रहा हूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये वीडियो कम्प्लीटली एक ही पार्ट में बन गया, इट्स अमेजिंग। मतलब कैसा होता है, 2 से 3 पार्ट लगते हैं एक बार टैली के लिए, देखो एक ही पार्ट में सारा ये वीडियो बन गया। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझा रहेगा और समझ में आए, तो डैम श्योर मेरी मेहनत पसंद आई, तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू ऑल माई डियर स्टूडेंट।